चुकी है अपनी बस और इसका रूट देखो कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा रूट है। और ये अपना आई थिंक नाहन डिपो की बस है और नई शोका ले लैंड की बस है। और मैंने इसका किराया देखा नहीं अभी तक, मैंने पर्स में डाल दिया सीधा। ये है नाहन डिपो की बस। तो आगे की सीन पानी ऐसे है कि अभी मैं इसमें अपना ये अपना 15 नंबर सीट नंबर है, ये विंडो सीट ही है। और बहुत अपनी खुले टाइप का था। अभी टिकट लेने गया तो काफ़ी हसल करने पड़ा मेरे को, क्योंकि तो भाई देखो इतनी बड़ी लाइन लगी, काफ़ी देर से बस नहीं है, सामने अपनी ही लाइन लगी हुई है। तो भाई बंदे मान नहीं रहे भाई, मैं खड़ा हुआ, अंकल बोल भी रहेगी कल का खड़ा है तब से, और बंदा बोले जा रहा भाई 2 मिनट दे दो, ऐसे कैसे करके बाद में ले लेंगे। भाई जैसे बने हुए कर लो। तो अभी यहाँ पे राशि राशि देखो आज, और अभी आगे की सीन पानी मैं बस में कंटिन्यू करता हूँ। और मेरे फ़ोन की भी बैटरी ज़्यादा नहीं है, तो ये यहाँ पे जल्दी से अब बस में मिलता हूँ मैं। अब क्या जो भी होता है आगे सीन मैंने आपको रास्ते में बताता हूँ। दोस्तों गंदी ही बारिश लग पड़ी, आप देख सकते हो बारिश गाड़ी के शीशे में। और अभी हमें अप्रोक्स बड़ी मुश्किल से हार्डली अपना कोई 45-50-60 किलोमीटर का सफ़र किया होगा। और ये अभी बस रुकी है यहाँ पे आके ढाबे पे, तो देख सकते हो आप। तो अभी चाय चुए पीते हैं, जो भी होता है सीन पर ही, और आगे के सीन पर नहीं होते, जो भी आपको रास्ते में बताते हैं। ब्रूनो देखो, जैसे को पता लग चुका है मैं आ चुका हूँ, ये देखो, ए मेरे ब्रूनो। ठीक है कल दस ओए नहीं, देखो देखो पंगे ले रहा है। देखिए शैतान को सोए हुए थे और अभी उठा है। क्या देखो पंगे 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 लेने, इसको पंगे पंगे लेने, देखो देखो बैठ गया, पंगे लेने वैसे अच्छा ले 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 पंगे ले 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 पंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, और कैसे सब ठीक ठाक? और आज कुछ आपको लग रहा होगा, आज मैं अपनी शुरुआत हो रही है अपनी व्लॉग की अपने ही घर से, क्योंकि मैं आया था थोड़ा घर और अपना रात को ही पहुंचा था तो बताया भी नहीं। और अभी तो उठ रहा हूँ और आंखें ज़्यादा ही लाल रखी हुई हैं, देखो ये आंखें लाल हो रखी हुई है भाई नींद के कारण। और अभी अप्पा उठे हैं और आज एक सीन पानी ऐसे है कि मौसी घर जाना है, फंक्शन भी है वहाँ पे, तो आगे जो भी होता है बताते हैं आपको, लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी तक तो ऐसे है। और अभी उठा हूँ और ये देख यहाँ के सीन बनी से काफ़ी काम हो चुका हुआ है यहाँ पे, तो बहुत काम हो चुका है, बहुत फास्ट चला हुआ। और देखो ये रखो बाहर, ये यहाँ पे भी काम पूरा टाइल डाल दी हुई है और वही कलर करती है वो कलर। और ये शैतान अपना, ये देखो यहाँ पे पूरा काम हो चुका है, मंदिर का भी काम वही डन ही होने वाला है। और यहाँ पे भी कुछ सीन पानी ऐसे ही है। और ये देखो वहाँ पे पूरा खत्म कंप्लीट हो चुका हुआ है। और अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ है, वो भी चला हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीड में लगे हुए हैं सारे, साथ में ब्रूनो जी मारे। और सुबह ये खेलने के मूड में थे। और ये देखो लग आगे के सीन बने ऐसे हैं कि अभी चलते हैं और जो भी होते हैं आगे दिखाते हैं आपको। और बस ऐसे ही है। देखो सुबह मम्मी का हो चुका है ब्रेकफास्ट, कहाँ बैठे मम्मी, और ये अंकी, और ये देखो महाराजा यहाँ पे सो गए। अच्छा हमको सिखा रिया है सर। ब्रूनो अब ठीक हुआ है, देखो 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 कैसे आंखें खोल के देख रहे हैं, क्योंकि ना चालू है नींद लगी हुई है इसको। और वो अंकल आ चुके हैं काम वाले, और मैं जा रहा हूँ अभी कटिंग करवाने, तो निकलते हैं अभी।
ब्रूनो मैं जाऊं कटिंग कराने, मैं जाऊं पूछ लूं, मैं जाऊं कटिंग कराने, देखो कैसे देख रहा है, देखो ला तो मैं जा रहा हूं कटिंग कराने। अब तो दोस्तों भी हम जा रहे हैं अपना बाल कटाने के लिए ना, क्योंकि मैंने बोला अपना काफ़ी दिन हो गए हैं और काफ़ी टाइम से आपको पता मैं चंडीगढ़ हूँ, तो अपना बाल बुल बहुत बड़े हो चुके हैं और दाढ़ी भी बहुत बड़ी हो चुकी है, और अब फंक्शन भी है, तो फंक्शन में भी जाना है मैंने अभी। तो ऐसे है कि अभी बाल बुल कटवाते हैं और मैं निकल रहा हूँ घर से, तो मैंने भाई को फ़ोन किया था, भाई भी आ रहा है, तो अभी बाल बुल कटाते हैं और आगे की सीन पर मैं आगे बताता हूँ। और जब निकलते हैं यार, पहुँचते बाल शॉप, बार्बर की शॉप पे, फिर अपने भाई के, भाई की दुकान है, राहुल भाई की दुकान है, अपने राहुल भाई की दुकान है, उधर चलते हैं, बाल बाल कटवाते हैं और जल्दी से हम बाल कटवा के आपको आगे की सीन बने जो भी होते हैं बताते हैं। तो चलो मिलते हैं, हम वहीं पे मिलते हैं जल्दी से। धन्यवाद, फ्लाइट जा रही, लग रही है अपनी। तो अभी हम आ चुके हैं अपना, ये आयुष भाई हमारे, आयुष भाई आज, आयुष भाई क्या हुआ आपके पैर पे? हैं भाई, तेल का कैन ही पैर पे फेंक लिया था, बड़ा वाला 20 लीटर वाला। और ये अपने राहुल भाई की दुकान, तो ये आपा आ चुके हैं यहाँ पे, अभी बाल कटवाने हैं हमने। और मैंने बोला चंडीगढ़ में कोई नहीं काटता ढंग के बाल, तो यहाँ पे कटवाते हैं। और अभी ये राहुल की, राहुल भाई की शॉप है, तो आगे जो भी होते सीन पानी बाद में बताता हूँ कटिंग कराने के बाद कैसे लगता हूँ, तो पहले के सीन पानी ऐसे। दोस्तों अभी हमने कटिंग करा ली और अपने सीन पानी कुछ ऐसे हैं, और अभी ये देखो ये बंदा कौन है, राहुल। और अभी चलते हैं आगे के सीन पानी आपको बताते हैं, मस्त कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे हमने अपना कुलचे बनने का ऑर्डर दे दिया है और टिक्की कराड़ी करने को बोल दिया है। बाहर आ जाओ भाई, आप बाहर तो आ जाओ, बाहर तो आ जाओ भाई, ये बंदा ना अंदर ही बैठा हुआ है, इसको बाहर नहीं आना है। और मेरा भी आज गला थोड़ा डाउन ही है, और हमारे में क्या यार बेइज्जती मत कर, हम भी रानी ताल आए हुए हैं यहाँ पे घूमने फिरने, तो सामान सामान ले लेते हैं। अभी कटिंग करा के मैं आ चुका हूँ वापस, और कैसा लग रही है लुक? थोड़ी ज़रा कुछ खास नहीं है इस बार, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करवाया, मैंने बोला टवट कटिंग कराते काफ़ी टाइम हो गया है, तो फिर अभी रेडी रूडी होते हैं और मौसी घर जाना है, तो आगे किसी दिन बने आपको मौसी घर कंटिन्यू करूँगा, रास्ते में बताऊँगा, तो अभी मैं रेडी हो लेता हूँ वहाँ के लिए।